क्या बात है, इधर बैठो, चलो आ गया, इधर आ जाओ आप। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें भी क्वेश्चन जरूर आएगा। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन, लेकिन सबसे आसान चैप्टरों में वर्क पावर एनर्जी और ये, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। सारा याद करना है यहाँ पर, इस चैप्टर को ही यहाँ पर ही लर्न करो, घर पर याद करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा आप एब्सेंट नहीं होते हैं? हाँ जी, नहीं एक दिन आप नहीं आए थे, है ना? अच्छा, सबसे पहले इधर देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है, दैट इज ग्रेविटेशन। याद करना, सबसे सुनूंगा ये टर्म ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता है अगर दो बॉडीज हो गया, इस बॉडी का भी मास है और इसका भी मास है। अगर इसका मास है m1 और इसका मास है m2, बाद में मैं पूरा समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन बताता हूं। कोई भी दुनिया में दो बॉडीज ले लीजिए, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सुनिए, the force of attraction between any two bodies in this universe by virtue of their masses is called gravitation. दो bodies के बीच में जो force of attraction है, मगर उनके masses के basis पर, that we called as gravitation. What is gravitation, Shabash beta? The force of attraction between any two bodies in this universe by virtue of it is, जैसे अर्थ और मून, जैसे सन और अर्थ, जैसे ये दो टेबल, जैसे मैं और आप, दुनिया में किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मगर by virtue of their masses is called gravitation. What is gravitation now, Shabash? By virtue of their masses is called gravitation. Is called gravitation. याद रखा, शाबाश। Second point है जो मुझे आपको समझाना है, that is gravity. क्या है? Gravity. इधर सुनिए, इसमें दुनिया में दो कोई भी bodies दे सकते थे आप, चाहे sun और earth, चाहे sun और moon, चाहे ये दो टेबल, चाहे दो कोई भी बॉडी जिनके जिनका मास हो, तो उसको बोलते थे हम ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी में क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ, अर्थ तो एक बॉडी है ही है, एक बॉडी तो अर्थ, एंड the force of attraction between the earth and any other body in this universe is called gravity. एक बॉडी इसमें जरूर कौन है, दूसरी कोई भी बॉडी हो सकती, दूसरी, जरा बता दीजिए, what is gravity? The force of attraction between earth and another body in this universe. बिल्कुल ठीक, the force of attraction between earth and any other body in this universe is called gravity. Gravitation और gravity में फर्क है। Gravitation में जरूरी नहीं है earth को, कोई भी दो bodies हो सकते, लेकिन gravity में one body is earth and other body may be any body in this universe. तो उसको बोलते हैं gravity. क्या बोलते हैं? What is gravity?
इसका भाई बेटा इज कॉल्ड बिल्कुल ठीक। थर्ड इन टर्म्स का मुझे यूज करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग सेकंड फ्लोर पर हो उधर से आप इस डस्टर को नीचे फेंकोगे ये तेजी से किसकी तरफ आ रहा है? ग्राउंड की तरफ। कौन इसको खींचता है? और इसको क्या बोला मैंने अभी? The force of attraction between earth and any other body in this universe is called gravity। की वजह से कहां आती है ये? मगर बड़ी तेजी से आ रही, बड़ी जो ही मैं इसको छोड़ देता हूं इसमें एक्सेलरेशन आ जाती है। किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। किसकी तरफ आती है एक्सेलरेशन? शाबाश बेटा। द एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय द बॉडी, द एक्सेलरेशन व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? द एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय द बॉडी या अटेन्ड बाय द बॉडी व्हेन इट फॉल्स। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ये किस पर गिर के आएगा? अर्थ पर आएगा गिर के। तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी वो किसकी वजह से आई? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? उसको क्या बोलेंगे? जरा बता दीजिए शाबाश बेटा। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? द एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय योर बॉडी व्हेन इट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड acceleration due to gravity is denoted by small g. What is small g? Acceleration due to gravity. In SI system, the value of g is 9.80 meter per second square. कितना value होता है? 9.80 meter per second square. शाबाश। In CGS system, its value is 980. सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका वैल्यू? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम इज 9.80 इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम इज 9.80 शाबाश बेटा। द एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्री अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड acceleration due to gravity. It is denoted by small g. Its value in SI system is 9.80 centimeter per second. In CGS system, its unit is 9.80. याद रखा बेटा सबने। इसके बाद एक और टर्म है जिसको बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं बेटा? वेट। जब आप लोग वेइंग मशीन पर चढ़ते हो वेट कैसे मेजर होता है आप लोगों को पता है? वो मैंने पढ़ाया अपरेंट वेट। वेट जब वो लिफ्ट में आप लोगों को बोला था होगा, वेट एक्चुअल में फोर्स होता है। वेट क्या है एक्चुअल में? जिसकी वजह से एक बॉडी खींची चली आती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द वेट एक्चुअल में एक फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है अर्थ के सेंटर की तरफ जिसकी वजह से एक बॉडी खींची चली जाती है किसकी तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट क्या है एक्चुअल में? वेट इज एक्चुअली ए फोर्स। व्हाट इज वेट? वेट इज एक्चुअली ए फोर्स विद विच वेट इज एक्चुअली ए फोर्स with which a body is attracted towards the center of earth. What is weight? Body is attracted towards the center of weight hota hai m into g, m into g. जब मास को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये क्या बनता है? जब मास को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ?
और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? क्योंकि वेट एक्चुअल में क्या है? शाबाश बेटा। अगर आप लोगों का मास है 50 kg, क्या है 50 kg, तो आपका वेट जी का वैल्यू में 10 अगर मानूंगा, 9.8 इज अप्रोक्सीमेटली 10, तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा इसको 10, तो कितने वेट कितना है आपको 500 न्यूटन। क्या है? मास कितना और है 50 kg, तो वेट कितना है? व्हाट इज वेट? वेट इज एक्चुअली अ फोर्स विद व्हिच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। याद रखा, देख लीजिए, वेट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एमजी, एंड द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। इन एसआई सिस्टम एंड इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज डाई। एक बार फिर से सुनिए, फिर आगे बढ़े। ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स बाय वर्चू ऑफ देयर मासेस, की वजह से जो फोर्स आएगा, दूसरे से भी फोर्स आता है जो चार्ज होता है, चार्ज की वजह से, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये वो नहीं है, ये मासेस की वजह से होता है। The force of attraction between any two bodies in this universe by virtue of their masses is called gravitation. Is called gravitation. शाबाश, फिर होता है gravity. The force of attraction between Earth and any other body in this universe is called gravity. Acceleration due to gravity. The acceleration attained by a body when it falls freely under the action of gravity is called acceleration. It is denoted by Formally. It is SI unit is 9.8. Its value in CGS system is 9.8. Weight है. Weight is actually the force with which a body is attracted towards the center of Earth. याद हुआ? चलो बताओ, ये चार टर्म में फिर आगे बढ़ेंगे। शाबाश बेटा।